गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मनीष, योर कंप्यूटर टीचर। आज मैं क्लास सिक्स कंप्यूटर का चैप्टर वन पढ़ाने जा रहा हूँ और यह चैप्टर वन का सेकेंड वीडियो है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स 1956 से 1963 तक रहा। दे वर यूज्ड ट्रांजिस्टर्स इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। देखिए, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स के बदले, और यह कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से कम हीट को प्रोड्यूस करता था, लेकिन स्टिल इसमें एयर कंडीशनर रूम की आवश्यकताएँ होती थी। द कंसेप्ट ऑफ पंच कार्ड वर स्टिल इन यूज। देखिए, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में पंच कार्ड का यूज़ किया गया था डेटा को फेड करने के लिए। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में भी पंच कार्ड का यूज़ किया गया था डेटा को फेड करने के लिए, लेकिन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो था वो 10 गुना फास्टर था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में कुछ हाई लेवल लैंग्वेज को भी डेवलप किया गया, लाइक फॉरट्रेन, कोबोल, एल्गोल एंड स्नोबॉल वर डेवलप ड्यूरिंग दिस जनरेशन। मीन्स कुछ हाई लेवल लैंग्वेज है जिनको इस जनरेशन के दौरान जो है डेवलप किया गया था, लेकिन स्टिल इस कंप्यूटर का यूज़ जो है कॉमर्शियल तौर पे व्यापक रूप से नहीं किया गया, क्योंकि यह कंप्यूटर बहुत ही महंगा था और बहुत ही कम कंपनीज ऐसे थे जो इसको अफोर्ड कर पाते थे। नेक्स्ट, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता दूँ। IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604 एक्सेट्रा, ये सभी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं। सेकेंड जनरेशन के दौरान कुछ फुल फॉर्म्स को डेवलप किए गए थे, आइए देखते हैं वो कौन से फुल फॉर्म हैं। कोबोल, कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। स्नोबॉल, स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज। थर्ड, एल्गोल, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। एंड फोर्थ, फॉर्मूला ट्रांसलेशन डेट इज फॉर ट्रेन।